आज की वीडियो में आपका स्वागत दोस्तों। आज की वीडियो में बेंगोल वॉरियर्स विशेष पुनेरी पल्टन टीम कंपैरिजन करने वाले दोस्तों। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में जानने वाले दोस्तों किस टीम के रेडर स्ट्रॉन्ग है, किस टीम के डिफेंडर स्ट्रॉन्ग है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग है। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं रेडर्स के बारे में। तो रेडर्स आप देख सकते हैं 9 है बेंगोल वॉरियर्स के पास और 7 है यहाँ पे आप देख सकते हैं पुनेरी पल्टन के पास। यहाँ पे मेन रेडर्स देख लेते हैं, मनिंदर सिंह हो जाएंगे, प्रणय राणे हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे दूसरी तरफ विश्वास एस हो गया, ये कुछ मेन हैं, मधुरा गर्जी हो गया, तो ये खिलाड़ी हैं बेंगोल वॉरियर्स के पास। तो दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन के पास रेडर्स की बात करें तो आदित्य शिंदे, आकाश शिंदे, मोहित गोयत, पंकज मोहिते, अजीत कुमार हो सभी रेडर्स है। तो देखने में लगे तो पुनेरी पल्टन सभी को यूज कर सकती, तो एक तरफ आप पुनेरी पल्टन एड्रेस में बाद है। अब बात करते हैं डिफेंडर्स के बारे में। डिफेंडर्स की बात करें तो दोस्तों 13 है बेंगोल के पास। और यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरी टीम के पास दोस्तों बात कर लेते हैं, केवल 12 है, 12 बहुत संख्या है। इसमें मेन डिफेंडर्स की बात कर लेते आदित्य एस हो जाएंगे, वैभव गर्जी हैं दोस्तों, यहाँ पे फजल तराचिली, नितेश कुमार, मयूर कदम, यानी डिफेंडर्स भरपूर हमें नजर आ रहे बेंगोल के पास। तो दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन की टीम के पास अभिनेश नटराजन, गौरव खत्री, संकेत सावंत, वैभव, अमन भी है, इस सीजन अमन भी आए हैं। तो टोटली दोस्तों डिफेंस अच्छा है। अब ऑलराउंडर्स की बात कर ले तो सागर कुमार हैं बेंगोल के पास, और ऑलराउंडर में असलम इनामदार और आमिर हुसैन हैं पुनेरी पल्टन के पास। अब बात कर लेते दोस्तों दोनों टीमों की, रेडर्स किसके ज़्यादा है, रेडर्स अच्छे हैं पुनेरी पल्टन के, डिफेंडर्स लगभग हम बराबर कह सकते हैं दोनों टीमों की स्ट्रॉन्ग है। ऑलराउंडर में असलम हमें और नज़र आ जाते जो कि उनकी रेडिंग डिपार्टमेंट को तो स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से दोनों टीमों में रेडिंग डिपार्टमेंट पुनेरी पल्टन का, डिफेंस भी हम थोड़ा हाई क्योंकि प्रदर्शन पिछले बार फजल और नितेश का अच्छा नहीं था इतना, और पुनेरी पल्टन के डिफेंस को भी हम बात कह सकते हैं। तो टोटली दोस्तों निष्कर्ष नहीं निकलता, अगर ये दोनों टीम आपस में भिड़ती है तो मुझे लगता है पुनेरी पल्टन की टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। बाकी दोस्तों आप अपनी राय जरूर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।